विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, आखिर बिहार दरोगा की न्यू बहाली कब आएगी और कितने पदों पर यह बहाली निकल के आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार दरोगा न्यू बहाली आने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार पुलिस की न्यू बहाली कब आएगी और कितने पदों पर यह बहाली निकल के आ रही है। 2024-25 में जो बजट पेश किया गया है तो बिहार पुलिस की न्यू बहाली कितने पदों पर आएगी और बिहार दरोगा की न्यू बहाली कितने पदों पर आएगी और यह बहाली कब आएगी, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार पुलिस के न्यू बहाली आने का इंतजार कर रहे हैं, बिहार दरोगा न्यू बहाली आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं जो विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है और 2024-25 में जो बजट पेश किया गया है तो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी आएगी, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए विधानसभा के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो विभाग की तरफ से निकल के आई है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख लीजिए, देख रहे हैं 67,735 पुलिस कर्मियों की होगी बहाली। यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में गृह विभाग के लिए इतना देखिए यहाँ पे 16,323.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह कुल बजट राशि का 5.86% है। हालांकि गृह विभाग के स्थापना मद में 15,468.55 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस साल गृह विभाग के अंतर्गत 67,735 पदों पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होने वाली है। उत्पाद मद निषेध एवं निबंधन विभाग के लिए पेश किए गए बजट में 674 करोड़। तो चलिए आगे बताते हैं, एक एक करके पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। आगे देख लीजिए, बजट में 10 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 664 करोड़ को मिलाकर कुल 674 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में 84 मद निषेध थाना की स्थापना की गई है। इनमें दर्ज मामलों के निष्पादन के लिए 74 विशेष न्यायालयों की, उसके बाद आगे देख लीजिए, गृह विभाग का बजट 16,323 करोड़ रुपये का स्कीम में 855 करोड़ और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 15,468 करोड़ रुपये आवंटित हैं। 67,735 पुलिस कर्मियों के विभिन्न पद पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, पद सृजन हो गया है। तो देख लीजिए, इसमें पहले चरण में 24,269 पद पर होगी बहाली, जिसमें दरोगा, देख लीजिए दरोगा, देख लीजिए यहाँ पे दरोगा 2,000 सिपाही के 19,469 और चालक के 2,800 पद शामिल है। 1 नवंबर 2023 से मैनुअल। उसके बाद देख लीजिए, पेपर कट जितना ही है मेरे पास, अगर पूरा रहता तो हम आपको बताते। चलिए आगे बताते हैं, आगे भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, सहायक प्रमंडलीय अग्निशामक पदाधिकारी के 21, जिला अग्निशामक पदाधिकारी के 19, अनुमंडलीय, आगे देख लीजिए, अनुमंडलीय अनुमंडल देखिए अग्निशामक के सावन यहाँ पर देख लीजिए 53 और अग्निचालक के 68 पद शामिल है। अभियोजन निर्देशालय में सहायक अभियोजन पदाधिकारी के 54 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया है। थाना या ओपी और जिलों में पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ मिले हैं। सेफ सिटी सर्विलांस के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए स्वीकृत हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, 2000 पद यहाँ पर देखिए, अब हम आपको काम की बात बताते हैं। 2000 पदों पर देख लीजिए बिहार दरोगा की बहाली होगी। तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, कई दफ़ा हम आपको बता दिए यह बहाली आपको, यह तो अभी फरवरी आपको लास्ट की ओर चल रही है, फरवरी लास्ट की ओर चल रही है, मार्च के सेकंड सप्ताह तक यह बहाली आपको आ जाएगी। मतलब जो है आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार दरोगा का आपको बहाली आ जाएगी, क्योंकि एग्जाम हो चुका है, आपको भी पता होना चाहिए 1275 पदों के लिए मेन्स का भी एग्जाम हो चुकी है। और विभाग अभी देख लीजिए कितना जो है जल्दी जल्दी जो है काम कर रहा है, हर चीज कर रहा है। तो ये आपको जो है वैकेंसी आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार दरोगा के 2000 पदों पर यह बहाली देखने को मिल जाएगी। पहले भी हम आपको बता दिए 2000 से लेकर 2500 के बीच में बिहार दरोगा की न्यू बहाली आ रही है। और बिहार पुलिस के देख लीजिए 67,735 पदों पर बहाली आएगी, जो कि इतना आपको एक बार में नहीं होगी, 19,000 आपको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है।
यहाँ पर देख लीजिए जो 19469 पद पर ही 2024 में बहाल की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यही जानकारी हम आपको देने वाले, जो भी तैयारी नहीं किए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की न्यू बहाली बहुत तेजी से देख लीजिए काम हो रहा है विभाग के अंदर, और यह बहाली बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बिहार दरोगा की बहाली आएगी, जो कि मार्च के सेकंड सप्ताह तक एनी हाउ आपको बिहार दरोगा की बहाली देखने को मिल जाएगी। तो यही जानकारी हम आपको देने वाले थे, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की न्यू बहाली जो भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी में लग जाइए, क्योंकि न्यू बहाली बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को जाए अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से बिहार दरोगा बिहार पुलिस के न्यू बहाली के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।